मोदी सरकार ने उनके साथ बहुत गलत किया है। उन्होंने कहा था कि मुझे होली वाले दिन छोड़ दो, मैं होली पे बैठ के दिखा दूंगा और मैं जिंदा सांप निकलूंगा। मैं चार सीट में खुद फंस गया। अभी पुतिन के यहाँ रूस के अंदर एक कांड हुआ, तुरंत 11 आदमी पकड़ लिए और ये कितने 11 साल 12 साल बाद ये कांड हुआ है। देश को कौन चलाता है? IAS लॉबी। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मौजूद हैं हम दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में। बात करेंगे जनता से कि एक तरफ तो केजरीवाल मॉडल है जो कि दिल्ली का मॉडल है, दूसरी तरफ गुजरात मॉडल से परखे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जानेंगे जनता से उनकी राय की क्या मुद्दे हैं उनके दिमाग में आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर। क्या दिल्ली के मॉडल को एक्सेप्ट करेगी जनता या फिर पुराने मोदी मॉडल यानी गुजरात मॉडल के साथ आगे बढ़ेगी तीसरी बार। आइए जानते हैं जनता से उनकी राय। सर, एक तरफ आम आदमी पार्टी और दिल्ली मॉडल लेकर केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो कि गुजरात मॉडल लेकर आए थे और देश के प्रधानमंत्री बने हैं। क्या लगता है इस बार आने वाले 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी या गुजरात मॉडल चलेगा या अरविंद केजरीवाल की दिल्ली मॉडल आगे बढ़ेगी? सौगंध टीवी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, भाई जरा ध्यान देना, सौगंध टीवी के माध्यम से मैं सौगंध खा के बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल का ही मॉडल चलेगा, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी जो है ना वो ईमानदारी की परिकाष्ठाओं को झलका रहे हैं कि ईमानदार बनके कैसे जेल में जाया जाता है। और उनको छूट नहीं मिली, मोदी सरकार ने उनके साथ बहुत गलत किया है। उन्होंने कहा था कि मुझे होली वाले दिन छोड़ दो, मैं होली पे बैठ के दिखा दूंगा और मैं जिंदा सांप निकलूंगा। इतना विकास कार्य किया है, उनको फंसाया जाएगा? उन्होंने आप मेरी बात तो सुनते नहीं, मैंने अभी क्या बताया आपको कि अरविंद केजरीवाल जी जैसे ईमानदार कोई नहीं है। उन्होंने ईमानदारी की परिकाष्ठाएं दिखाई, उसी के कारण वो जेल में, अब वो जेल की भी सफाई करेंगे। वो बहुत ईमानदार आदमी, उनसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है, उनसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है। तो वो जो ईमानदारी की परिकाष्ठाएं दिखा रहे हैं उनका तो मॉडल जग जाहिर है। उन्होंने जगह जगह लोगों को बताया कि सोनिया को जेल भेजो, सबसे बेहतर। उन्होंने कहा बाड्रा को जेल भेजो, उन्होंने किसको नहीं कहा। आज उनको साथ में लेके चल रहे तो उनका मॉडल ही चलेगा। मोदी जी तो बिल्कुल अलग है, वो तो अलग चल रहे हैं। मोदी जी काम नहीं कर रहे, केजरीवाल जी का मॉडल अच्छा लग रहा है क्या? मैं समझ गया आपकी बात को, जैसे उन्होंने बताया कि लालू नंबर वन चौथा देश के आज उनके साथ आलिंगन कर रहे हैं। सही बात है। उसके बाद बताया था कि बहुत नितिन गडकरी का नाम लिया था, बताया था सोनिया गांधी जी फाइल लेके चलते थे, फाइल कहां है? डबल करके पूछना चाहता था वो फोन के अंदर फाइल छुपा रखी थी, पासवर्ड नहीं बता रहा। जिसे कह रहे एक दिल्ली के मुख्यमंत्री को मुझे कहना नहीं चाहिए, मेंटली डिसऑर्डर आदमी है, करके दिया है जिसको कुछ नहीं पता, थोड़ी देर बाद भूल जाता है। और थोड़ी देर बाद उसने क्या कहा वो भूल जाता है, चौदह से पहले तो क्या कहा वो भूल जाता है। और ईडी के अपने चार्जशीट में वो खुद फंस गया। उसने क्या कहा कि एक ऐसे आदमी के कहने पर मुझे जेल में भेजा गया जिसे जेब जिसको चांदनी चौक का जेब कतरे भी अगर गारंटी दे तो उस पर भी जेल नहीं हो सकती। मतलब वो मानता है कि एक आदमी ने उसके खिलाफ चला, तो वो एक आदमी तो है और अदालत ने कहा कि वो आदमी है। आदमी के आधार पर आपको गिरफ्तार किया गया। क्या मोदी दूर तक नजर उसने 4 दिन बाद स्टेटमेंट दिया, उसके चक्कर में कोई है भी नहीं किसी और उसको भारद्वाज के रूप और ये सब उसने मेरे भाई उन दो विकेट तोड़ देना और ये अलाउट करना चाहता है भेजने का मतलब होता है। ईडी खुद घबरा रही है क्योंकि इसका बीपी एकदम अपने आप ही फ्लक्चुएट होता था, ऊपर नीचे चल रहा है, शायद वो वहाँ उल्टा सीधा ना हो जाए और ईडी के लिए पड़ जाए। अब ईडी सारी पूछताछ प्यार से करेगी, सर घुटना हुआ है प्यार से कहेगी। और ऐसा नहीं है 15 दिन के लिए, 15 दिन के बाद फिर सीबीआई भी अपनी रिमांड ले सकती है। ये तो आना जाना लगा रहेगा, वो नहीं बैठा रहेगा। उसके लिए 2 नंबर जो कौन का सैनिटाइज करके तैयार कर दिया है। और सबसे बड़ा तो उसने अभी जलवानों के साथ सबसे बड़ा समझ रहे हैं। आपको क्या धोखा किया साहब, बहुत जाएंगे कमल पे मेरे भाई। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इसमें जेल में जाकर तीन चीज ईवीएम से, एक तो उसने रामायण की गीता की और एक नीरजा गुप्ता के द्वारा लिखी हुई किताब प्राइम मिनिस्टर डिजायर्स के नाम से, तो इसने मांगी है। इसने कुरान नहीं मांगी जबकि इसको कुरान लेनी चाहिए थी, लेनी चाहिए थी ना कुरान। तो इसने मुसलमानों के साथ कितना बड़ा आघात किया है और जबकि इसने इमामों को पेंशन बांटी, भत्ता बांटा, पर इसने कुरान क्यों नहीं मांगी? क्योंकि जानता है अब इसका कुरान भला नहीं करेगी, अब इसका कुरान भला करेंगे। कुरान बोले महाभारत भला करेगी, नहीं महाभारत बोले तो गीता भला करेगी। ढूंढ रहे हैं
अभी भी दूर है, अभी भी धोखा दिया जनता को। और ये इतना बड़ा ठग है, इतना बड़ा 420 है, हर बार पैतरेबाजी पलटता है, हर बार अपने आप को चेंज करता है, अपने आप को मूव करता है। क्या लगता है दिल्ली में जिस तरीके से बात हो रही है, जेल से सरकार चलाएंगे, क्या संभव है? नहीं है, अगर सरकार चलाएंगे, आप मुझे बताइए दिल्ली का जेल का एक मैनुअल होता है, उस मैनुअल के अंदर क्या होगा, तो सारी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइलें भी होती है, उस फाइलों को साइन करेगा तो जेल अधिकारी देखेंगे, जेल के कर्मचारी देखेंगे, तो फिर कॉन्फिडेंशियल कहां रह गया? फिर जो अधिकारी है जो मनगणना करने के लिए आएंगे, जेल में मीटिंग करने के लिए आएंगे, उस आधार पर क्या सरकार चल सकती है? जेल थोड़ी ना रही, इससे बढ़िया उसको नजर बंद कर सकते हैं। तो ये तो उसका मानसिक संकीर्णता है, उस मानसिक संकीर्णता के आधार पर यह चल रहा है, अलग राजनीति दिखाना चाह रहा है वो। अभी आपने देखा को जर्मनी का कांसलर था या कौन था, इसमें कुछ होगा तो हमारी भारत सरकार है, और अमरीका का गरीबों में अधिकारी वगैरह उसने भी कुछ कहा, उसको भी आ रहे हैं। आप हमारी राजनीति में आप दखल ना दे, मुकदमा क्या करेगी, बेहतर होता है। वो बार बार जो मोदी के लिए बात कर रहा है, मोदी को लिए कह रहा है, उसकी मजबूरी है, उसको फ्रस्ट्रेशन है। मोदी ने आज तक उसके बारे में कुछ नहीं कहा, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, मोदी जी के बारे में तुमने आज तक, मोदी जी ने कभी उसके बारे में शायद उसका नाम लिया हो, उसको हम भी मोदी जी प्रधानमंत्री है, हमारे ये देश की संस्थाएं वासी भी आई हुई, इवन पुलिस हुई, इवन पुलिस हुई, पुलिस हुई मेरे हाथ में नहीं है, पुलिस भी मोदी जी है। अब आप मुझे बताइए 15 अगस्त ने तिरंगा को सलाम नहीं किया, अब आप मुझे बताइए जब ये लाल किला पे आया, सबने वंदे मातरम बोला, इसने वंदे मातरम को नहीं बोला, ये एक नक्सली है। अगर आप इसकी, अभी मैं एक डिबेट देख रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, आतंकवादी पन्नू, आतंकवादी पन्नू ने कनाडा से एक वीडियो जारी किया कि 2014 से आगे नामी से 2400 करोड़ रुपए फंडिंग दे चुके खालिस्तान बनाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा भाग है, और ये जितने भी भाग है सब एक जगह होते हैं, और ये कल बार बार आपने सुना होगा, कल क्या बात हुई है, कल रामलीला मैदान में बताया कि रावण भुगता है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि रावण भुगता है, रावण को कहेगा। और आपको पता भी होगा, आपको पता भी होगा रामायण काल के अंदर कि सारी की सारी ताकतें एक जगह इकट्ठी हो गई थी, और राम जी जो थे वो वानरों के साथ में लेके गए थे। और आपको ये भी पता होगा महाभारत काल में अभी 5000 वर्ष हुआ था कि श्री कृष्ण जी ने अपनी अक्षौणी सेना भी उनको कौरवों को दे दी थी। तो ये तो आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, पिक्चरों में क्या होता है कि एक कमजोर होता है और एक ताकतवर होता है, तो सारे के सारे चोर एक जगह की, और अच्छाई की लड़ाई है आपस में। गुजरात मॉडल बनाम दिल्ली मॉडल, आप किसको ज्यादा पसंद करेंगे, कितना नंबर देने चाहेंगे 10 में से? गुजरात मॉडल को अगर आपको देने हो, दिल्ली मॉडल को देने हो, 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं ईमानदारी को देना चाहूंगा, मोदी जी ने ईमानदारी की सारी प्रकाष्ठाएं दिखा दी, ईमानदार बनना सिखा दिया, हमें जीएसटी में रहना सिखा दिया, हमें मोदी जी ने दिखा दिया कि हमें जीएसटी देनी चाहिए। सर आप पंजाब में देखा मॉडल, तो गुजरात छोड़े वाराणसी ले ले, मॉडल छोड़े वाराणसी ले ले, मॉडल ही मॉडल है, मॉडल ही जहाँ पर है वहाँ मॉडल ही दिया जाएगा, जहाँ आप लगाए वो चीज सुना बन गई होगी। आपने एक चीज देखा होगा, अभी मैं एक छोटी सी बात और बताया हूँ भाई, अगर पूछ रहे कि पहले क्या होता था कि पाकिस्तान हमारे इलाके पर संजय सिंह हमारी आर्मी थी, कैसे रहता था कि हम गोली दिल्ली से भेज के चलाते हैं, और अभी हमारे मित्र थे ब्रिगेडियर वो वहाँ गए, उन्होंने पोस्ट देख रहे हो आप कल, हाँ जी पोस्ट देख रहे हैं, जल्दी उसमें एलएमजी धड़ाधड़ 250 राउंड फायर कर दिए, पूछ रही जरूरत है केजरीवाल जी कुछ नहीं करना है उनकी बीवी का, ये बदलाव आया, आप इस बदलाव को देख ले, जहाँ राहुल गांधी अपना रैली करने गया है वहाँ हाथ में पत्थर होते थे, कोई रैली नहीं कर सकते थे, कोई जाने आज कितनी अमन कितनी शांति, अब छोड़ो ना, रोजाना टुकड़े टुकड़े गैंग आते थे, रोजाना कितनी आपको पता है हिंसक घटनाएं होती थी, अब कहा हिंसक घटनाएं, और कांग्रेस टाइम में सीरियल वाइज बम धमाके होते थे, अब कहा सीरियल वाइज बम धमाके। अभी पुतिन के यहाँ रूस के अंदर एक कांड हुआ, तुरंत 11 आदमी पकड़ लिए, और ये कितने 11 साल 12 साल बाद ये कांड हुआ है, हमारे यहाँ क्यों ऐसा था, हर साल ये कांड होते थे, ये नेता करवाते थे, और जिसमें अब आ रहा मुख्तार का आ रहा है, अतीक का आ रहा है, हाथ आ रहा है कि सपा और बहुजन सपा ये करवाते थे, क्यों हम बीजेपी ने कभी आज तक इन आतंकवादियों को अपने साथ नहीं रखा, मैंने आतंकवादी ने क्यों नहीं रखा, हाँ बीजेपी के साथ इतना हो जाएगा जैसे अभी अजीत पवार को ले लिया, अजीत पवार सीटिंग एमएलए है वो, उसमें जांच चल रही है,
हटा तो नहीं है वो, चल रही है हमारी तरफ आ जाओ। पहले तो जब जाएगा तो जाना पड़ेगा, पहले तो एक्सीडेंट नहीं होते थे ना, ये क्या बस होती थी। अगर उसकी जांच हटाई हो, अगर उसकी जांच में छूट दी गई हो, इसी बार आ रही है बीजेपी 400 पार का दावा ठोक रही है जो। ये तो बहुत अच्छी बात है आप कह रहे हैं, मुझे तो आपकी बातें झूठ लग रही है, मुझे तो 400 प्लस 450 के बीच का लग रहा है। 450 सीटें आ रही जी, मोदी जी किसे जनता खुश है देश की बता रहे। देखिए जब भी जब तक लोग सोचते हैं देश को नेता चलाते हैं, आज मैं आपके मंच के माध्यम से चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, देश को नेता नहीं चलाते, देश को कौन चलाते हैं? IAS लॉबी, IAS और IPS लॉबी चलाती है। IAS और IPS लॉबी भ्रष्ट हो चुकी थी, परंतु अब 80% IAS और IPS लॉबी ठीक हो चुकी है क्योंकि राजा अच्छा आया। IPS और IAS लॉबी भी क्या करे, उनके प्रेशर रहता था, दबाव रहता था, नेता कहते थे ऐसा करो तो वो कहते थे ऐसा करेंगे, परंतु अब नेता और राजा अच्छा है और IPS और IAS लॉबी दामोदर मोदी जिस तरीके से देखा बताया गया कि कम से कम जो नेता आया है वो अच्छा है, जिसकी वजह से प्रजा भी खुश है आज में, और जो गुजरात मॉडल है जनता को ज्यादा पसंद आ रहा है। अगर हम कंपैरिजन करें दिल्ली मॉडल के साथ जो कि अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, बड़ी खबरें। सौगंध टीवी, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।